हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। महाविद्यालय की छात्रा का अपहरण का किया गया प्रयास। यह घटना लाखनी से सटे गढ़ीगांव बस स्थानक पर रविवार को दोपहर 12:30 बजे के दौरान उजागर हुई। बताया जा रहा है कि पीड़ित छात्रा बस स्थानक पर खड़ी थी। इस समय एक अज्ञात कार चालक ने उसके पास अपनी कार रोककर फिल्मी स्टाइल में जबरन कार में बिठाकर उससे छेड़छाड़ कर मारपीट की। जानकारी के अनुसार रविवार को दोपहर 12:30 बजे के दौरान पीड़िता प्रात्यक्षिक परीक्षा के कागजात देने के लिए कनिष्ठा महाविद्यालय में आई थी। कुछ समय बाद वापस जाने के लिए गढ़ेगांव बस स्थानक पर खड़ी थी। इस दौरान मार्ग से जा रहे एक कार चालक ने अपनी कार उसके पास रोककर छात्रा से यह सड़क भंडारा की ओर जाती है क्या, भंडारा कितनी दूरी पर है, यह पूछने के बहाने से पीड़ित छात्रा का हाथ पकड़कर जबरन अपनी कार में बिठाया तथा कार भंडारा की ओर दौड़ाई। चलती कार में चालक ने छात्रा के साथ छेड़छाड़ कर मारपीट की। इसका विरोध करते हुए छात्रा ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, जिससे घबराकर कार चालक ने कन्हालमो फाटा से अपनी कार वापस गढ़ेगांव की ओर मोड़ दी। दौरान गढ़ेगांव फाटी के पास कार रोककर पीड़ित छात्रा को गाड़ी से धक्का देकर कार लेकर भाग गया। जब छात्रा ने घटना की खबर गढ़ेगांव महामार्ग पुलिस चौकी में दी, साथ ही अपने पिता को फोन पर घटना के बारे में बताया। मामले की गंभीरता को देखते हुए गढ़ेगांव पुलिस कर्मियों ने तुरंत घटना की जानकारी लाखनी पुलिस को दी। पश्चात थानेदार दामदेव मंडलवार ने यह जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को देकर लाखनी पुलिस में नाकाबंदी कर अज्ञात कार चालक की खोजबीन शुरू की है। इस संबंध में पीड़ित छात्रा ने अपने पिता के साथ लाखनी पुलिस थाने में पहुंचकर घटना की शिकायत दर्ज कराई है। इस घटना की जानकारी पुलिस अधीक्षक अरविंद साड़वे, अपर पुलिस अधीक्षक अनिकेत भारती, इनके मार्गदर्शन में SDPO महेश चाटे, अश्विनी रोडगे, लाखनी पुलिस निरीक्षक मंडलवार, इन्होंने विशेष पुलिस पथक तैयार कर अज्ञात आरोपी की छानबीन शुरू कर दी है। कल दिनांक 9/2/2020 दोपहर के समय एक स्कूल की छात्रा लाखनी से भंडारा जाने वाली बस स्टॉप गढ़ेगांव के यहाँ रुकी थी, तो एक अज्ञात इसम गाड़ी से बस स्टॉप पे रुका और उसको जबरदस्ती गाड़ी में खींचा और उसका अपहरण करके लेके गया। इस अपहरण के बाद छात्रा के साथ उसने छेड़छाड़ी की और उसका विनय भंग करने की कोशिश की। इसका प्रतिकार करते समय फिर उसको गाड़ी से बाहर ढकेल की दिया। इस घटना के बाद उसने अपने पिताजी के साथ लाखनी पुलिस स्टेशन में आके FIR दर्ज, कलम 363, 367A, 354A, ये पोक्सो कलम 8 और 12 के तहत लाखनी पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल हुआ है। इसके तुरंत ही बाद भंडारा जिला पुलिस अधीक्षक माननीय श्री अरविंद साल्वे सर, अपर पुलिस अधीक्षक श्री भारती सर, इन्होंने विजिट करके यहाँ पे SDPO साकोली काटेसार और लाखनी पुलिस स्टेशन के श्री मंडलवार साहब, इन्होंने एक विशेष पथक आयोजित करके आरोपी को जल्द ही जल्द अरेस्ट करने के लिए एक खास टीम तैयार की है। इस घटना के बाद इसका इन्वेस्टिगेशन मुझे सौंपा गया है, आरोपी को जल्द ही अरेस्ट करेंगे। BS क्राइम इंडिया न्यूज ऐसी घटनाओं की निंदा करता है तथा सभी नागरिकों से अनुरोध करता है कि सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। भंडारा पुलिस विभाग की ओर से न्यूज और कार्यक्रम के माध्यम से जनता को जागरूक किया जा रहा है कि अनजान व्यक्ति पर भरोसा ना करें। अगर ऐसी कोई घटना आपके साथ घटित होती है तो 100 नंबर दबाकर पुलिस को घटना की जानकारी दे। BS क्राइम इंडिया न्यूज की रोजाना ताज़ा खबरों के लिए YouTube चैनल, वेबसाइट, फेसबुक,
ट्विटर इंस्टाग्राम पर लाइक शेयर और कमेंट करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूले। गूगल प्ले स्टोर से बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की ऐप को डाउनलोड कर रोजाना ताजा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहे। Thank you.